ही गाइस, दिस इज भाईस परमार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कुछ इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि मेरी तरफ से उसे सॉरी बोल देना, मेरी तरफ से राधा को हैप्पी बर्थडे कहना, मेरी फैमिली की तरफ से आपको बधाइयाँ, मैं टीम की तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ, मैं सुनील की ओर से केस लड़ूँगा। तो इस तरह के वाक्य को बोलने के लिए हमें एक एडवांस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है ऑन बिहाफ ऑफ। तो इसका फॉर्मेशन होगा कि सबसे पहले तो जिस वाक्य में सेंटेंस होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद ऑन बिहाफ ऑफ, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट में हर, हिम, मी कुछ भी आ सकता है। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मेरी तरफ से उसे सॉरी बोल देना, टेल हर सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ मी। मेरी तरफ से राधा को हैप्पी बर्थडे कहना, से टू राधा हैप्पी बर्थडे ऑन बिहाफ ऑफ मी। नेक्स्ट है, मेरी फैमिली की तरफ से आपको बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली। नेक्स्ट है, मैं सुनील की ओर से केस लड़ूँगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल लिटिगेट ऑन बिहाफ ऑफ सुनील। लिटिगेट का मतलब होता है केस लड़ना। मैं टीम की तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ द टीम। नेक्स्ट है, मेरी अपनी मम्मी की तरफ से आपको ये गिफ्ट दे रहा हूँ, आई एम गिविंग दिस गिफ्ट ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर। मैं अपने पापा की ओर से ये पैसे देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गिव दिस मनी ऑन बिहाफ ऑफ माई फादर। नेक्स्ट है, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ हर। तो अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। मेरा भाई मेरी तरफ से दिल्ली गया है, तो इस वाक्य की इंग्लिश क्या होगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।